उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते और जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमेन। आज की सुबह बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, विश्वास परमेश्वर में हालात बदलता है। विश्वास परमेश्वर में हालात बदलता है। आज की सुबह यदि हम विश्वास करते हैं तो ये स्त्री के जैसा, जैसे ये स्त्री को हम देखें, ये स्त्री कनानी स्त्री है और प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश में निकल कर जा रहे थे। वहाँ पर हम 21 आयत से देखते हैं, तो 21 से देखते हैं तो ये पूरा कहानी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो वो ये स्त्री अपनी पुत्री को जो कि बीमारी थी और उसको क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में विनती करने के लिए आई। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कुत्तों की रोटी लड़कों के आगे डालना उचित नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन उस स्त्री का विश्वास को देखा प्रभु ने, उसने बोला, प्रभु कुत्ते भी तो चूर चार खाकर पेट भर लेते हैं जो मेज के नीचे गिरता है। उसने अपने आप को बहुत छोटा करके प्रभु पर विश्वास किया गया है और ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि स्त्री का विश्वास बहुत बड़ा है और इसका विश्वास ने प्रभु ने एक बात यहाँ पर बोली, 28 आयत में बात कही गई है, पर इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और देखिए उसी घड़ी उसी वक्त क्या हो गया, उसकी बेटी चंगी हो गई, उसकी बेटी को क्या हो गया, छुटकारा मिल गया, उसके हालात बदल गए। इसलिए मसीह यीशु में आज मेरा ये जो इस आयत से बोलने का शीर्षक मैंने आपको बताया कि विश्वास परमेश्वर में हालात बदलता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार के हालात में आप गुजर रहे हो आज की सुबह, आप बोझ हो आपकी जिंदगी में, लेकिन आज विश्वास परमेश्वर को करते हैं तो परमेश्वर वो आपके हालात बदलने की शक्ति रखता है, आपके हालात बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए विश्वास आपको कहां से मिलेगा, विश्वास आपको एवरीडे हरेक दिन प्रभु का वचन को सुनने से, पढ़ने से आपके अंदर में आना शुरू हो जाएगा। ये कहां से आएगा, रोमियो 10:17 के मुताबिक आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा जब आप प्रभु के वचन को सुनोगे। खुदा का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। खुदा का वचन में ये बातें लिखी गई है। विश्वास क्या है ये भी जानना अवश्य है। विश्वास क्या है, इब्रानियों की किताब में जाइए, इब्रानियों की किताब उसका 11 का आप जब वहां पर पढ़ेंगे, 11 अध्याय में 1-3 तक, वहां पर प्रभु के वचन में ये बातें लिखी गई हैं कि विश्वास हमारा, जिसको हमने कभी नहीं देखा, वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण वो है, खुदा ने बोला गया है। वहां पर हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, लेकिन अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, खुदा ने ये बातें कहा गया है। हम इब्रानियों का 11 का हम पढ़ते हैं, तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसलिए हमारी जिंदगी के हालात किस प्रकार के हम गुजार रहे हैं ये मायने नहीं है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर में मायने रखता है, तभी आपकी जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। यदि आप विश्वास मसीह यीशु में नहीं करते हैं, अपना विश्वास आप ऐसी ही दूसरी चीजों पर रखा हुआ है, तो आपके हालात बदल नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने हालात बदलने के लिए बहुत कठिन मेहनत घनिष्ठ करते हैं, मेरे हालात बदल जाएं, लेकिन यदि आप प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, हालात बदलते नहीं हैं, परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, और मुश्किलात आ सकती है जीवन में, लेकिन यीशु को विश्वास करने से क्या है कि हालात बदलते हैं। इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण आपको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ खुदा का वाणी से, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय, और वहाँ पर 8 अध्याय में
जहां हम एक से लेकर पढ़ते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम से होकर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम से होकर जा रहे थे, वहां पर एक सूबेदार उनको वहां पर विनती करने के लिए आया, और उस सूबेदार ने विनती की कि प्रभु मेरा सेवक जो एक घर में पड़ा हुआ है वह लकवा रोग से रोगी है, और मैं इस काबिल तो नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, पर मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, उन्होंने बोला कि यदि तू मुख से यहां से बोल दे तो मेरा सेवक घर में पड़े पड़े चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और बोला कि वहां पर अपने चेले लोगों को जो उसके साथ में थे, उसके पीछे आ रहे थे, उसने उनको बोला कि बहुत सारे लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के राज्य में आकर इसके जैसे बैठेंगे। खुदा ने बोला, परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए बोला गया, और उसने उसके विश्वास को देखते हुए क्या हुआ, उसका सेवक को चंगाई किया गया है। इसलिए उसके सेवक कैसे चंगा हो गया, उसके हालात कैसे बदल गए, उसने उसके विश्वास को देख लिया। आपका विश्वास कैसा है, प्रभु भी ये देखना चाहते हैं। आपका विश्वास आपके मेडिसिन पे तो नहीं रखा है, आपका विश्वास आपके किस पे, आपकी भौतिक चीजों पर, आपके संसार की चीजों पर कहीं विश्वास तो नहीं है, आपका विश्वास में कोई खोट है। यदि आप निरंतर, आप लगातार रूप में आपने यीशु पर विश्वास बनाकर रखा हुआ है, तो मैं अवश्य कहता हूं खुदा की वाणी से कि विश्वास परमेश्वर में आपकी हालत बदल सकता है। मनुष्य का जो, हमारा मसीही लोगों का जो जीवन में हथियार है वो है विश्वास, और विश्वास से हमारी जिंदगी में काम होता है, विश्वास से काम होता है। इसलिए बिना विश्वास से हम परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते भाई बहन, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर एक विश्वासी है जो परमेश्वर को खुश करता है और वो आपकी हालत को बदलता है। इसलिए हमें उस खुदा में भरोसा करें, विश्वास रखें। भजन संहिता उसका 37 अध्याय, भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 5 आयत में भी खुदा का वाणी में लिखा कि यहोवा पर, हमें अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डालो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा, परमेश्वर का वचन में। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, यहोवा पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। और यहाँ पर खुदा का वाणी में लिखा मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय भी जब हम पढ़ते हैं, 9 में भी वहां पर एक बार प्रभु यीशु मसीह वहां जा रहे थे निकलकर, और 2 अंधे पुकारते हुए यीशु के पास आए, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर, इस रीति से बोलते हुए आए। और वहां पर प्रभु यीशु ने कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, उन्होंने कहा हम देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम विश्वास करते हो, उन्होंने बोला हाँ। प्रभु ने बोला, तुम्हारे विश्वास के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी में काम हो। और देखिए उनका विश्वास में क्या हुआ, जैसा वो चाहते थे, उनका विश्वास मसीह यीशु में था, प्रभु पर रखा हुआ था उनका विश्वास, और उनके विश्वास की वजह से उनकी हालत कैसी बदली है, उनकी हालत कैसी बदली है कि वो एकदम दृष्टि आ गई उनकी आंखों में और वो देखने लगे, देखने लगे। आज प्रभु यीशु जो हमारी जिंदगी के लिए असंभव है, असंभव है, मुश्किल है, हो नहीं सकता है, वो प्रभु यीशु करने की ताकत रखते हैं। वो प्रभु यीशु हालत जैसे भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, यीशु उनको बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर की वाणी से मैं आपको ये विश्वास कर बताना दिलाना चाहता हूं कि हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास ना रखें, हमारा विश्वास जिंदा परमेश्वर में रखें, तो हमारा विश्वास के मुताबिक वो परमेश्वर में काम करता है, हालात बदलता है। इसलिए और एक अंतिम आयत देकर मैं अपने संदेश को खत्म करना चाहूंगा, और खुदा का वाणी में मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय और 18 से लेकर 26 तक हम वहां पर पढ़ते हैं, तो खुदा का वाणी में और एक बात को बताया गया है, कहानी को, एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और वो अपने तमाम जीविका, अपनी तमाम धन दौलत वो डॉक्टर को लुटा चुकी है, और उसके पास में कुछ नहीं बचा, लेकिन वो
एक विश्वास रख के वहां पर बैठी है, और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखकर बैठी है। कैसा विश्वास देखिए, जिसकी वजह से जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और आकर उसके वस्त्र को उसने छू लिया। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ। और वहां पर चेले लोग बोलते हैं, प्रभु यहां पर बहुत भीड़ है, लोग तेरे ऊपर गिर पड़ते हैं और तू कहता है यहां पर किसी ने छू लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहां पर छुआ है, चंगाई पाई है, यहां पर खुदा प्रभु यीशु के अंदर से एक सामर्थ्य निकली। फिर वहां पर पूछा और वो स्त्री वहां पर डरती हुई आई, प्रभु मैंने छुआ। प्रभु ने बोला, स्त्री कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए देखिए भाई बहन, जो स्त्री की जिंदगी को 12 वर्ष हो गए, 12 साल से वो ग्रस्त है, बीमारी से जकड़ी हुई है और उसकी हालत बदल नहीं रही है, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, और पीड़ित हो रही है और परेशान हो रही है और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसी समस्या हो रही थी, लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह में विश्वास किया, उस परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसने ये जाना कि आज प्रभु यीशु मसीह इस जगह से गुजरेंगे और मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, तो आज से ही मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसने इस बात को विश्वास किया, मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने वही किया और जाकर उसके वस्त्र को छू लिया और प्रभु यीशु ने उसको वहां पर उसको चंगाई आ गई है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें आज की सुबह मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि विश्वास हमारी जिंदगी की हर एक परिस्थिति को, हर एक सिचुएशन को, हर एक हालात को बदल सकता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, हम अन्य चीजों पर विश्वास रखेंगे, हमारे हालात बदलेंगे नहीं। आज आप कैसे भी हालात में जी रहे हो, कर्जा के हालात में हो, आप बीमारी के हालात में हो, आप बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा करना चाहते हैं, उसके हालातों से आप लड़ रहे हैं, बीमारियों के हालातों से लड़ रहे हैं, जीवन को अच्छा करने के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपको आज की सुबह यही बताना चाहता हूं कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना जरूरी है। जब परमेश्वर पर हम विश्वास रख लेते हैं, उसके आधार होते हैं, परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता है। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।